तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ के सबसे दिग्गज अभिनेताओं में से एक विजय सेतुपति की अपकमिंग मूवी के बारे में, जिनके एक्टिंग के आगे बड़े से बड़े एक्टर की चमक भी फीकी पड़ जाती है। और विजय सेतुपति अब तक जितने भी फिल्में किए हैं वो सारी फिल्में हिट रही है। उनकी शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जो की फ्लॉप हुई हो। और जल्द ही विजय सेतुपति कई सारी बड़ी फिल्में लेकर आने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्में हैं और किस दिन रिलीज होगी। विजय सेतुपति की सबसे पहली फिल्म होने वाली है मैरी क्रिसमस। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे विजय सेतुपति एंड कैटरीना कैफ। और ऐसा पहली बार होगा जब विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ एक साथ किसी फिल्म में नजर आएंगे। वहीं इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं श्रीराम राघवन, जिसे प्रोड्यूस करेंगे रमेश तौरानी। और यह फिल्म रिलीज किया जाने वाला है इसी साल 23 दिसंबर 2022 में क्रिसमस के मौके पर। विजय सेतुपति की दूसरी फिल्म होने वाली है जवान, जो की एक बहुत बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे शाहरुख खान, विजय सेतुपति एंड नयनतारा, जिसमें विजय सेतुपति विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं। और इस रोल के लिए विजय सेतुपति पूरे 21 करोड़ रुपए की मोटी रकम चार्ज किए हैं। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन करने वाले हैं अटली कुमार, जिसे प्रोड्यूस करेंगी गौरी खान, जो रिलीज किया जाने वाला है अगले साल 2 जून 2023 में। विजय सेतुपति की तीसरी फिल्म होने वाली है विदु थलाई। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं विजय सेतुपति, प्रकाश राज, सूरी एंड गौतम मेनन। और इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं वेतरी मारन। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म अक्टूबर 2022 में रिलीज होने वाली है। विजय सेतुपति की चौथी फिल्म होने वाली है पुष्पा द रूल, जो कि पुष्पा द राइज का सिक्वल होगा, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे विजय सेतुपति, अल्लू अर्जुन एंड रश्मिका मंदना, जिसमें विजय सेतुपति एक फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं अल्लू अर्जुन एंड रश्मिका मंदना फिर से वही किरदार में दिखाई देंगे। और इस मूवी का डायरेक्शन सुकुमार ही करेंगे, जिन्होंने पुष्पा द राइज का भी डायरेक्शन किए थे। और यह फिल्म रिलीज किया जाने वाला है अप्रैल 2023 में। विजय सेतुपति की पांचवी फिल्म होने वाली है विराम पुरुल इवाल। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे विजय सेतुपति, विष्णु विशाल, नंदिता सवेता एंड ऐश्वर्या राजेश। वहीं इस मूवी का डायरेक्शन करने वाले हैं सीनू रामा सामी, जिसे प्रोड्यूस करेंगे सुभाष चंद्र। अगर बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो यह फिल्म रिलीज किया जाने वाला है 27 मार्च 2023 में। विजय सेतुपति की छठी फिल्म होने वाली है याधु मुरे यावरुम किलर, जो की एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे विजय सेतुपति, मोहन राजा एंड मेघा आकाश। वहीं इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं वेंकट कृष्णा, जिसे प्रोड्यूस करेंगे साकी दुर्राई। और यह फिल्म भी रिलीज किया जाने वाला है अगले साल 2023 में। विजय सेतुपति की सातवीं फिल्म होने वाली है सुधू कुवुम 2, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म सुधू कुवुम का सेकंड पार्ट होगा, जिसके लीड रोल में दिखाई देंगे विजय सेतुपति एंड सत्यराज सर, वही सत्यराज जो बाहुबली में कटप्पा का रोल निभाए थे। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अर्जुन एमएस और इसको प्रोड्यूस करेंगे सीबी कुमार, जो रिलीज किया जाएगा मई 2023 में। विजय सेतुपति की आठवीं फिल्म होने वाली है माइकल, जो की एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसका डायरेक्शन करने वाले हैं रंजीत जया कोड़ी। वहीं इस मूवी के लीड रोल में दिखाई देंगे विजय सेतुपति एंड संदीप किशन। और यह फिल्म भी रिलीज किया जाने वाला है 2023 के आखिरी महीनों तक। इसी के साथ विजय सेतुपति की नौवीं फिल्म होने वाली है विक्रम 2, जो की हाल ही में रिलीज हुई कमल हासन एंड विजय सेतुपति स्टारर फिल्म विक्रम का सिक्वल होगा, जिसके लीड रोल में कमल हासन के साथ फिर से दिखाई दे सकते हैं विजय सेतुपति, लेकिन यह अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ है। वहीं विक्रम मूवी में सूर्या, जो की कॉमियो रोल किए थे, उसी कहानी को अच्छे तरीके से विक्रम 2 में दिखाया जाएगा। और इसका डायरेक्शन भी लोकेश कनगराज ही करेंगे, जिन्होंने विक्रम का भी डायरेक्शन किए थे। और इस मूवी को आने में अभी थोड़ी सी देरी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे विजय सेतुपति की आने वाली सभी बड़ी फिल्में। आप इन सभी फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही मूवी से जुड़ी अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। और जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नई मूवी के साथ।